अच्छा साहब वो जो है ये समझने के हमने यानी उस तरह जो है वो वहाँ को उसको वहाँ पढ़ा। अभी समझने मैं कह रहा था कि इसमें अब आप गला ऑर्डर में हो, आपके कलाम बंदिश सामयिन मौसम हालात उसको मद्देनजर रखे, शहरी उर्दू वो तो काम पहले किए हुए होते हैं आप कि आपने कलाम लिया हुआ है, तल्फ बनाई हुई है, बंदिश हालात और उसके मुताबिक थोड़ी तब्दीली भी हो जाती है। इसमें जो एक बात क्या है, क्योंकि कोई चीज़ फिजिकल मटेरियल आप पे यानी ग्रिप में नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये बात ऐसी है जैसे किसी दहशत और कह दिया जाए कि कुछ नहीं आपके पास, रोड पे जाओ पहले गाड़ी छीनो, उसके बाद उस गाड़ी से फिर पैसा और असलाह छीनो, और उसके बाद उस आदमी को पकड़ो और अगवा करके लेकर आ जाओ और एक घंटे में काम करो, कितना मुश्किल काम है ये। और एक तो ये कि आप गाड़ी और असलाह दें और उसका पता दें और उसके फोटो दें और कहें भाई इस आदमी को ले आओ उस जगह खड़ा, कितना आसान काम है। बकाया फोनों में लतीफा का यही किरदार है, हमारा काम यही है कि हमसे कहा गया फलाई से तुम्हें सब पकड़ना है और ये सब कुछ लेकर आना है। हो सकता है कि ऐन वक्त पे कुछ गड़बड़ हो जाए, हज़ार दफ़ा का अपना सेल्फ कंपोज सोच है और हमारा हज़ार दफ़ा पढ़ते हैं, उस पर पढ़ने गए तो मालूम है जगह उस जगह जाके खुद इन्वॉल्व हो गए, खुद बमज़ा आ गया, खुद जो है वो जरा जम गए या कोई तब्दीली हो गई, मतलब माइक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एक आदमी सामने से उठ के चला गया या फट से कोई चीज़ आ गई, या जहाँ आदमी थोड़ा सा एहसास होता है मौलाना आ गए या कोई बड़े हस्ती आ गई, कोई बात ना गई किसी से भी जिससे आपकी तवज्जो जो है माहौल की वजह से। अब वहाँ में बहुत होशियारी से, ये शायरी नहीं है, ये मुखाताबत नहीं कि आप रुक गए और आपने कहा चलो फिर से उसे कर लेंगे, यहाँ तो उस जगह बिल्कुल आप जा रहे हैं और हाई टेंशन पावर पे उसमें काम करने के मतलब आते थे कि बहुत आप थोड़ा सा यूँ हुए वो जगह मिस हो गई, आपके हाथ से निकल गया और ऐसा निकला कि जितनी मुश्किल चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आप सीधी चीज़ पढ़ रहे तो कोई मसला नहीं, जहाँ चार हो जाए हमारी बंदिश है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए वो आउट हो जाएगी और आम आदमी पता चल जाएगा कि फिसल गए उससे यानी बाहर हो गए, इतना बिल्कुल होशियार मालूम हुआ, थोड़ा सा आदमी ने गड़बड़ की वो उसके वो मांगे। अब हम उसको चल रहे हैं, जो आस है ये हमें बुनियाद फराहम करती है, बाद राग ऐसे होते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ से चूँकि मजलिस नहीं बताया जा सकता है, मालकौस दरबारी वगैरह रात के राग हैं और उसमें खुशी का तासुर है, खराज अकीदत का है, बहुत अच्छा है, लिहाजा हमारे बहुत सारे नौ में तो कम लेकिन हाँ फिर भी कसीद में भी उसका इस्तेमाल बहुत होता है, भैरवी तो हर यानी 24 घंटे चलती है वो सबके लिए, वो तो खैर है कुछ, लेकिन ये जो है वो रात के उसमें से अच्छा इसमें वहाँ जाके जब ऊपर जाते हैं ना तो ऊपर जाके वो एक से हो जाते हैं यानी मालकौस और कई है लेकिन मालकौस और दरबारी, हम यहाँ ऊपर गए अब ये भूल गए कि यहाँ से कहाँ चले थे, इस तरह होता है बाद जगह आप कहीं जाते हैं तो आप आगे चलते चले गए, अब आपके सामने तो वो निशाना आ रहे थे ना वापसी का तो आपको पता ही था, वापस आके अब याद नहीं रहा कि इधर से कहाँ से आए थे, लेकिन आप तो आगे देख रहे थे ना, ये तो ऊपर चले गए तो अब वहाँ से वापसी की राह नहीं पता, खुद इन्वॉल्व हो गए, जज्बाती हो गए या दूसरी तरफ भटक गए। वो जो आज चल रही है वो हमें बेस फराम कर रही है, बता रही है कि वो ऐसे भी जैसे आपकी जगह लाइट जला देंगे इधर उधर गतियों की गलियाँ हैं लेकिन आपको इस जगह आना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना, वो जो आज सवाल है मैंने मांगे आ तो ये जो दोनों बाजू हैं वो मुझे ना सुने, अगर मुझे सुनने लगे तो वो भटक इधर उधर हो जाएंगे, वो एक दूसरे से उस जगह कायम रहे जहाँ मैं खड़ा करके गया हूँ कि भाई ये निशान है आप यहाँ से निकलिएगा, मैं जाऊँगा और वापस आऊँगा, जैसे बातें बात निकल आती जैसे हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को उस जगह लिटा गई, ताकि क्योंकि हजरत इब्राहिम ने कहा था कि ये जगह नहीं छोड़ना यहीं रहना, उन्होंने कहा तलाश है आपने कहीं ऐसा ना हो एक सी जगह कहीं इधर उधर हो जाए, तो उनको लिटा के खुद घूमने जाए और वापस आए जो दमदम और जी सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जनाब ये जो है आपको जो है यहाँ रहना है इधर उधर नहीं जाना है आपको, मैं उधर जाऊँगा फिर वापस आ जाऊँगा, तलाश है आपके बाद मिले या ना मिले तो आप यहाँ रहिएगा, तो वहाँ जो है वो और आप वहाँ रहेंगे तो वहीं मिल जाएगा आपकी गड़ियाँ रगड़ने से मुझे वहीं पानी मिल जाएगा, तो वो जो है आप वहाँ मौजूद हैं, तो ये आस का तस्वुर यह है कि उससे एक वो उसमें सुर शामिल हो जाता है और उसके लिए ये कैंपिंग हो जाता है, बंदा सुर पे उस फॉर्मेट में उधर कायम रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है, और साथ साथ ये कि लय की जहाँ तक बात है तो लय में कोई शरह का बात नहीं है, बस लय जितनी नौ मर्सी है नाच सोच पानी वगैरह इसमें इस्तेमाल होती है, यहाँ तो चूँकि अगर आप अल्फाज पढ़ने लगेंगे ना जितने आप अल्फाज अदायगी करेंगे तो लय तो खुद ब खुद जो है वो कम होती चली जाएगी,
हमारे यहाँ तो अल्फाज पहुँचाने हैं ना, जब लोग अल्फाज खत्म करके लय में लग जाते हैं अल्फाज तो वहाँ फिर खराबी पैदा होती है। अब यहाँ तलफ्फुज की भी बात आएगी, फिर तलफ्फुज की बात है, सही इमला, सही तलफ्फुज, सही अदायगी, मानी मफहूम समझें, मुरक्कब अल्फाज हैं। अब जैसे वो एक छोटी सी मिसाल ज़हूर हज़रत जाचवी साहब ने अपने एक मजमून में लिखी हुई है कि मुस्तकबिल को पहले मुस कहा, फिर ते कहा, फिर वो यानी जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए, फिर जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह कुरान मजीद में रुमूज़ औक़ाफ़ समझाए जाते हैं, जी जी, कहाँ रुकना कहाँ है, ला तक़रबुस सलात आपने कह दिया है ना, वानतुम सकारा उसको फौरन सकारा फौरन कहना है वरना गड़बड़ हो जाएगी, या जैसे हम कहते हैं रोको मत जाने दो, एक जुमला है तो वो मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, तो उन्होंने कहा रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। अच्छा ये इसमें ये हो गया ना, ये अब इसमें यहाँ उनका नजम आफंदी साहब का एक वो है, शेर अपनी तरफ से छेड़ ना अपनी तरफ से जंग, ये मसलसे हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब पढ़ने वाले की मजबूरी है, वो उसका सांस वहाँ टूट रहा है, उसने कहा अपनी तरफ से छेड़ना, उसने वहाँ आके खत्म किया अपनी तरफ से जंग, इसे सीधी सीधी मादर ना पुराना खर्चा पंगे वाले हो छेड़ना, ये मसलसे हुसैन अलैहिस्सलाम है, अच्छा खासा शेर जो है वो उसको हमने कहा भी अपनी तरफ से छेड़ ना अपनी तरफ से जंग, ये मसलसे हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये आप सुनिए मिसाल तौर पर तारिक जौहरी साहब के वालिद बहुत बड़े परहेजगार मौलाना मोहम्मद बया कर हाजते जौहर सिफारिश तेरी कर देंगे हुजूर शाह अब्बास अलमबरदार बैठे, तो उन्होंने कहा कि भाई तू जौहर तू अपनी जो है वो हाजत बयान कर, तो हुजूर यानी इमाम हुसैन की खिदमत में मौला अब्बास बैठे तेरी सिफारिश करो तेरा काम हो जाएगा, उन्होंने जब मुझे कह के दिया बहुत पहले बात है, तो मैंने शरारतन तो मैंने उनसे इस तरह पढ़ा कि बयां कर हाजतें जौहर सिफारिश तेरी कर देंगे। बयां कर जी हुजूर शाह अब्बास अलमबरदार बैठे अच्छा उन्होंने पहले सुना फिर से पढ़िए फिर से पढ़ दिया ये कब का है ये लिखा है रुख्सत उनको दिखाई कम देने लगा था, बल्कि बिना रुख्सत हो गई थी जिंदा गुस्सा आने लगा था, अच्छा वो तो चेहरा नहीं देख रहा ना हमारे अच्छा ना होने वाले शोर क्योंकि पता था क्योंकि उनके सामने तो मदद ही रहते थे, तो हमने कहा भाई हमारा तो इस पे ये कैसे ये हो सकता है, मैंने कहा जी हमारा तो ये यकीदा है कि आप हमारी सिफारिश करवा सकते नहीं वो गलत है ये हमने नहीं कहा है, हमने कहा है कि बयान कर हाजत ने जौहर रुकी है जौहर पे यहाँ रुकी है सिफारिश तेरी कर देंगे हुजूर शाह अब्बास से वहाँ इजाफत नहीं है तो सब हंसने लगे वो समझ गए, तो वो जो है वो अरी रुकने का इसका दुख तराने फातिमा। अब मैं बताऊँ 1996 का हसन सादिक मेरा बड़ा पसंदीदा नौक है, उन इंसान भी वो बहुत अच्छा, उसके बारे में गलत फहमी है ज़्यादा है, मैं उसके साथ हफ्ते भर पिछले साल खुद में रहा और देखा बहुत सारी बातें है, तो सबसे बड़ी बात ये कि उससे जो बात हालांकि खालिद प्रोफेसर खान साहब उस्ताद आदमी, तो 1996 के कैसे निकला रेहान आदमी साहब का कलाम था और एक अफसर जाफरी साहब और एक और बुजुर्ग वार उनके वो कंपोजर थे, हर बीच में कुछ मुझसे उन्होंने मुशावरत वो कर ली मुआवनत में शामिल हो गया, कुछ मैंने कलाम में भी वो जो चूँकि रेहान आदमी जो है वो मानते हैं ख्याल करते हैं, उन्होंने भी अपने तसरुफ और तब्दीली दे दिया था, और कंपोज़र उस वक्त मुझे ज़ाहिर नहीं मानता था उस वक्त जो है वो कोई मुझे इशारा, लेकिन बहरहाल वो जो थे वो समझदार चूँकि लोग थे, मैंने थोड़ी सी उसमें कहीं मैंने उसमें आमतौर पर कैसे में दो तीन नोहे अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें आठों के आठ नोए बहुत अच्छे थे, 1996 का आप देखिएगा सूरत शेर बीमार की आँखें यारब न सहारों, उसमें उन्होंने ऐली नहीं कहा है, जहरा नहीं कहा है, जो जहरा के एक खास तरफ से ठीक है, आबद नहीं कहा है, अला मेरे वो जो है ना मेरे गाजी के अला, फिर बीच में बहुत बड़ा वफा
वाह ये भरम किसका है, या जैसे उन्होंने कहा हमारे बहुत मशहूर मालूम हो हम, उनका था कि जरूरत दुनिया को आज भी है जरूरत हुसैन की और बदौलत हुसैन की, तो उन्होंने कहा दुनिया को आज भी है बदौलत हुसैन की, इतना बड़ा वफा है ना, मत हुसैन की और लत हुसैन की और इस तरह जो है बहुत सारे वो हैं वो। अच्छा तो भाई आप इसको मिला के लफ्ज ना तोड़े, दुख तरह ने फातिमा क्यों क्योंकि छुपाए अपना सर, तो दुख तरह अलग हो गया, नेफा अलग हो गया, तो नेफा अलग कर दिया जो अपने वो दुख तरह वो अलग कर दिया, जमा अलग कर दिया सांस में उसमें, तो मरकब लफ्ज है दुख तरह ने फातिमा कंपाउंड वर्ड मरकब लफ्ज, उसको आप एक साथ अदा करें जहाँ इजाफत है जहाँ वो है जहाँ मानी में फ़र्क हो रहा है, आप समझ के पढ़ेंगे और फिर उसे समझाएं आपको परफॉर्मेंस पे अपनी जो है वो कारकर्दगी पर और अल्फाज मानी और मफहूम और इबलाग में मकसद पर अगर आपकी निगाह होगी ये सारी बातें। अच्छा फिर सही तलफ़ुज़ आप वो आपको बताया, अच्छा खेलने के लिए अच्छा देखना, अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है, आपस आता है कुछ सीनियर लोगों को। अब मसला होने लगा है कि मेम्बर और मीडिया भी जो इसके पर यानी मोहतात नहीं रह गया है, लिहाजा ये जो बहुत सारे हम अपने क्लास में जहाँ बहुत सारे राग रंग जो शरी हुदूद में सिखाते हैं, जहाँ हम शायरी के रमूज सिखाते हैं, वहाँ मालूम जैसे गुफ्तगू होती है जो निकलती चली जाती है, जो पढ़ रहा है उसे उसका बैकग्राउंड भी मालूम हो। हमारे एक रुबाई थी मजलूम ना मीरनीस की रुबाई थी, उसमें एक आध ला हमने बाद जगह तब्दील कर लिया है, बाद जगह हमें नहीं पता था, बाद जगह मुख्तलिफ नुस्खों में तलाश है उसकी वैसे भी हुआ है। मजलूम न चाहे बहरो बरसा होगा, यूँ तीरों का में न किसी पर बरसा होगा, और जिस तरह प्यासे रहे जिस तरह जमाने में हुसैन, या प्यासे रहे जिस तरह से दुनिया में हुसैन, इसमें इख्तलाफ है इबारत के साथ ही मिसरा है। यूँ गब्र भी पानी को न तरसा होगा, अब ये गब्र उस्ताद ने पढ़ दिया हमने भी पढ़ लिया, फिर ये सोचा कि गब्र क्या होता है भाई। अच्छा बाद में जो होशियार थे उन्होंने कहा भाई अब्र होगा, यूँ अब्र भी पानी को न तरसा होगा, कुछ लोगों ने वो अब्र कर दिया, हमने कहा नहीं उन्होंने साफ गब्र पढ़ा है तो गब्र होगा, गब्र के माने दूर पूछे किसी को नहीं पता किसी ने कुछ नहीं करना। अच्छा बाद में पता चला कि साहब गब्र जो है वो मजूसी आतिशप्रस्त के जिसने आग की मोहब्बत में खुद को पानी को उसका अपोनेंट समझते हुए पानी को खुद पर अख्तियारी तौर पर हराम कर दिया। अच्छा लेकिन वो एक फितरी जज्बा पानी नहीं पीता, इसलिए कि वो आग का पुजारी है और आग और पानी जो है वो दोनों मुतसादी मुतजाद और अपोनेंट लिहाजा वो चाहे तो पी सकता है। तो उन्होंने कहा कि यूँ गब्र भी, अब देखिए कितने इतिहास से मेरे अली से कहा इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, लेकिन अल्लाह की रजा और उसमें उसका पानी पीना जो है वो उसके खिलाफ था, तो उन्होंने कहा यूँ गब्र भी पानी को न तरसा हो। तो मेहरबानी अच्छा मेरे बच्चों ने पूछा भाई अभी ये पढ़ते क्या माने सर, आज भी बताएं मैंने कहा मैं नहीं पता सर, फिर ढूंढा तलाश किया मैंने कहा नहीं गब्र है तो गब्र ही होगा ये, तो वो जाके वो फिर ये मानी उसके वापसी में निकले जो डिटेल और जो तफसीली जो लोग हैं। तो अब जैसे हम एक एक लफ्ज़ से मेहनत करते हैं, किसी ने कहा मैंने कहा यार अच्छा बाद अल्फाज में तो देवी लखनऊ दूसरा फर्क है, दरख शाह या दुरख शाह है, मुसरत है या मसरत है, मजीद है या नवेद है, मीसम हम सब कहते हैं लफ्ज़ मैसम है, वहाँ जाइए तो वहाँ मैसम लिखा हुआ है, अजब हजरत तैयार कर जाइए तो जब हजरत मैसम है मार के यहाँ मैसम है तो हमारा हम मीसम क्यों रख लेते हैं, हम नाम जो उसका नाम है वो यही नाम है, कोई उसका दूसरा तलफ़ भी नहीं है। तो बात यह है कि हम अपने यहाँ सैयद मैयद रजा बाकर शोर नबूवत वही इसमत रफ़त और ये जो हम ये मतलब सिखाते हैं बच्चों को, तो हमारे बच्चे जो है वो हमें सुन के देख कर और सही लोग मुनकर नकीर है वो उलमा से मुनकर नकीर सुन लेते हैं हम, नबूवत तो सब कहते ही कहते हैं, नबूवत तो कहने को सुनने को कान तरसते हैं कि कोई नबूवत के कह रहा हो, तो लफ्ज ही नहीं कोई नबूवत नबूवत लफ्ज है, तो ये हम अपने यहाँ कोशिश करते हैं और ये करनी चाहिए। तो सौ सानी में अभी तक ना गैर मयारी कलाम किसी आजकल पच्चू नए शायर का पढ़ा जाता है, ना उसमें गाने या कव्वाली की गैर मयारी तर्ज़ हैं, जो रिवायती सौ सानी कर रहे हैं और बे उस्ताद नहीं हैं। यहाँ कहानी का पहला हिस्सा खत्म हुआ, अब अपने भाई की बारी है, आप जो है साहब बाकी सारे